एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की आज बर्थडे एनिवर्सरी है और आज के दिन उनके हर फैन की आंखें नम भी हैं, क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि इतनी कम उम्र में सुशांत हमें छोड़कर चले जाएंगे। अगर आज सुशांत जिंदा होते तो आज 36वां जन्मदिन मना रहे होते, लेकिन अफसोस ऐसा नहीं हो सकता। सुशांत सिंह राजपूत अपनी एक्टिंग ही नहीं बल्कि अपनी मासूमियत को लेकर भी लोगों के दिलों पर राज करते थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव भी देखे। बचपन से ही सुशांत के सपने बड़े थे। उन्होंने अपनी मेहनत से फिल्म इंडस्ट्री में पहचान बनाई। टीवी इंडस्ट्री में अपना करियर शुरू करने वाले सुशांत ने अपना बैकअप प्लान भी सोच रखा था। जैसे कि सब जानते ही हैं कि टीवी स्टार के लिए बॉलीवुड में अपनी जगह बनाना आसान नहीं। ऐसे में सुशांत सिंह राजपूत ने ये पहले ही सोच लिया था कि अगर उन्हें फिल्मों में काम नहीं मिला तो वो क्या करेंगे। पवित्र रिश्ता में मानव का रोल निभाकर घर घर में फेमस हुए सुशांत ने टीवी इंडस्ट्री को अलविदा कहते हुए सोच लिया था कि अगर उन्हें फिल्में न मिली तो वो मुंबई की फिल्म सिटी में कैंटीन खोलेंगे, उस पर डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे और इस डॉक्यूमेंट्री में खुद को कास्ट करेंगे। साल 2015 में सुशांत ने खुद एक इंटरव्यू में ये बात कही थी। उन्होंने कहा था कि जब मैंने टीवी छोड़ा तो लोगों ने मुझे कहा था कि तुम फिल्म मेकिंग का कोर्स कर रहे हो, लेकिन अगर तुम्हें फिल्में नहीं मिली तो क्या होगा। तब मैंने कहा था कि मैं अपनी फिल्में बनाऊंगा। मैंने फैसला लिया था कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिल्म सिटी में अपना कैंटीन शुरू करूंगा, एक कैमरा खरीदूंगा और कैंटीन के बारे में अपनी शॉर्ट फिल्म बनाऊंगा। उसी से मैं काम भी करूंगा और इस फिल्म को बनाने में उतना ही उत्साहित हो जाऊंगा जितना अभी हूं। आगे उन्होंने कहा कि ये प्लान बी नहीं है, मैं सिर्फ फिल्म सिटी में समय बिताना चाहता हूं क्योंकि मैं फिल्म सिटी से प्यार करता हूं। यही मुंबई की इकलौती जगह है जहां सब किसी न किसी चीज की शूटिंग कर रहे होते हैं। उस जगह की वजह से मैंने वहां कैंटीन खोलने का सोचा है। मैं वहां खा सकता हूं, मैं वहां फिल्में एंजॉय कर सकता हूं, मैं वहां सही से अपनी शॉर्ट फिल्म शूट कर सकता हूं, तो वही जगह है जहां मुझे होना चाहिए। महज 34 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कहने वाले सुशांत 5 भाई बहनों में सबसे छोटे थे। पेरेंट्स की बहुत मन्नतें मांगने के बाद सुशांत का जन्म हुआ। कम उम्र में सुशांत की मां की मौत हो गई थी तो उनकी बहनों ने उन्हें बड़े प्यार से पाला। टीवी पर पहचान बनाने के बाद सुशांत ने बॉलीवुड में कदम रखा। उन्होंने पीके, काइपोचे, एमएस धोनी और छिछोरे जैसी सुपरहिट फिल्में की। देखा जाए तो सुशांत को अपनी जिंदगी में सच्चा प्यार कभी नहीं मिला। पहले वो अंकिता लोखंडे को डेट कर रहे थे, लेकिन उनसे भी उनका रिश्ता टूट गया। हालांकि अंकिता और सुशांत को देखकर लगता नहीं था कि कभी वो अलग होंगे। फिर सुशांत रिया चक्रवर्ती को डेट करने लगे। दोनों साथ में लिविन में भी रहे, लेकिन एक्टर की मौत से एक हफ्ता पहले ही रिया ने उनका घर छोड़ दिया। सुशांत की मौत का जिम्मेदार रिया को भी ठहराया गया। सुशांत के पिता ने रिया के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी, जिसके मुताबिक रिया और उनके परिवार ने सुशांत को अपने परिवार से अलग कर दिया था। हालांकि रिया ने इन सभी आरोपों को हमेशा खारिज किया। रिया का कहना था कि वे हमेशा सुशांत से प्यार करती थी, लेकिन वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। सुशांत की मौत के बाद ये बात सामने आई थी कि वे किसी बंगाली लड़की के साथ नवंबर में शादी करने वाले थे। हालांकि इसमें कितनी सच्चाई है ये तो सुशांत के साथ ही चली गई। आज सुशांत की बर्थडे एनिवर्सरी पर उनके परिवार वाले और सेलेब्स उन्हें याद कर पोस्ट शेयर कर रहे हैं।
नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।